लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्रांति 1825 से 1875 तक हुए उन क्रांतिकारियों की कहानी से प्रेरित है जो इतिहास के पन्नों में कर्मगति करते हुए अमर हो गए। ये कहानी उस पहले गुमनाम क्रांतिकारी किसान की है जिसने भारत माता को आजाद करने की शपथ उठाई और आजादी की मशाल जलाई। कौन था वो? आपने कहा था कि अगर आज मैं आप तक पहुंच जाऊं तो आप ये मान लेंगे कि मैं तैयार हूं। हाँ, तुम तैयार हो। इसलिए तैयार किया था मुझे? इन खेतों के लिए, इस धरती माँ के लिए जिसकी आबरू को अंग्रेजों ने रौंदा। मैं कुछ समझा नहीं। ये खेत कभी अपने थे, ये जमीन अपनी थी। इस पे हम किसान हल चलाते, धरती के गीत गाते। आज कुछ भी तो अपना नहीं, न गीत अपने हैं न खेत। मतलब? गौर से सुनो बेटी, ये कहानी तब से शुरू होती है जब अंग्रेज एक भयानक साये की तरह बढ़ते आ रहे थे इस इरादे से कि वो सारे हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। उनके मंसूबों की कामयाबी के लिए जरूरी था कि वो रियासत रामगढ़ को अपने कब्जे में कर ले। व्हाट सर, महाराज लक्ष्मण सिंह को अपनी रियासत से बढ़कर हिंदुस्तान से प्यार है। वो ये नहीं जानता कि अगर हमारी तोपें चली तो 5 मिनट में रियासत का कुछ नहीं बचेगा। आप महाराज की चिंता मत कीजिए, आज उनका छोटा भाई कुंवर शमशेर सिंह आपके हजूर में हाजिर होगा। कैसे? उनको लाएगा आपके पास उनका साला शंभू सिंह। शंभू, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। बहन की कसम जीजा जी, महल तो महल, अगर मैं इस रियासत का राजा ना आपको बना दू ना तो मेरा नाम भी शंभू सिंह नहीं है। वो कैसे? अंग्रेजों की जरूरत आप अपने भाई साहब महाराज लक्ष्मण सिंह जी से कहकर पूरी करवा दीजिए। हमारी जरूरत उनके सर थॉमस पूरी कर देंगे। आज आप खुद अपने कानों से सुन लीजिए कि क्या कहते हैं उनके सर थॉमस। हम आपकी मदद करेगा, आप हमारी मदद करो। आई मीन, समझ गया या समझाऊं? शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है।
कल कुंवर शमशेर सिंह अपने महाराज को समझा देंगे कि वो आपकी बात मान ले। क्यों शमशेर जी? जी भाई साहब, मैं हमारे भाई ने गलत सौदे के लिए वादा दिया है, लेकिन हम आपको झूठा नहीं होने देंगे। कह दीजिए इनसे, आज से एक बरस के लिए हम अपने बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं, लेकिन इस शर्त पर इंग्लिस्तान से आने वाले जहाजों में बारूद नहीं होगा। की तरह ये देवी माँ की ओढ़नी सांगा को दे दीजिए, ये उसके परिवार की रक्षा करे। सांगा किसानों के सरदार, न जाने तुम्हारे पुरखों ने देवी माँ की कितनी पूजा की है। देवी माँ के चरणों में जो तुम्हारी जगह है वो न हमारी है न राजघराने की। पुजारी जी, वो देखिए हमारी बहन चारुमती, भगवान ने 3 बार माँ बनने का मौका दिया मगर ये माँ न बन सकी। इस बार फिर उम्मीद बंधी है, वरना इनके पति फतेहगढ़ के महाराज चंपक सिंह जी दूसरी शादी कर लेंगे। देवी माँ पे विश्वास रखिए महाराज, देवी माँ के प्रताप से हम जैसे पापियों की झोली संतान से भर गई तो फिर आप तो हम क्या हैं? आप महाराज हैं और हम मामूली किसान इस जमीन पर हल चलाने वाले। बीमा काका ये देखो, ये देखो ये क्या है? अरे अरे बाप रे, ये तो बारूद है। बारूद? बारूद क्यों? कन्हैया, सरदार जहाजों में बारूद भरा है। बारूद? कन्हैया की मौत का हिसाब चुकता करना होगा। जहाजों से सामान उतारना है। महाराज ने बंदरगाह की इजाजत देने से पहले ये शर्त रखी थी कि इंग्लिस्तान से आए हुए जहाजों में बारूद नहीं होगा। तुम्हारा काम सिर्फ महाराज की आज्ञा का पालन करना है। हमारा कर्तव्य महाराज की आज्ञा की रक्षा करना भी है। सांगा, मैं पूछता हूँ किस पर चलेगा यह आया हुआ बारूद? किस पर चलेगा? किस पर चलेगा यह अंग्रेजी बारूद? हिंदुस्तान के सीने पर। सांगा, विश्वासघात कर रहे हैं। वो बंदरगाह पर बारूद उतारा जा रहा है महाराज, जबकि आपका फैसला था ऐसा नहीं होगा। यह अनर्थ है महाराज, इस अनर्थ को रोकना होगा। आपके चरणों की सौगंध है महाराज। किसी ने हमारे महाराज का खून कर दिया। किसी ने नहीं, खून तुमने किया है। देवी माँ की सौगंध है, ये खून मैंने नहीं किया। साला, ये खून तुम्ही ने किया है। इस भयानक मौत से तुम बच सकते हो। रियासत के कानून के मुताबिक मेरा फैसला भरे दरबार में करना होगा। दरबार में तुम वही बोलोगे जो हम कहेंगे। इधर देखो,
देवी के स्मरदान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो तुम्हारी बीवी के पेट में देवी का दूसरा वरदान भी है ना? देवी के प्रकोप से डरो। मुजरिम सांगा, इस बात का बड़े दरबार में इकरार करता है कि उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। झूठ है ये। सांगा, हाथ नहीं, महाराज के खून के छींटे मेरी आत्मा पर है। और अब आपके नए महाराज शमशेर सिंह जी आपको अपना फैसला सुनाएंगे। स्वर्गीय महाराज के बनाए हुए कानून के मुताबिक सांगा, हम तुम्हें मौत की सजा देते हैं। सिपाहियों, आज जश्न-ए-आम है रियासत में। पूरी रियासत मधुशाला बनी हुई है। जाओ पियो और जियो। जा हजूर। दिल तो करता है सांगा इस अंग्रेजी कमाल को तुम्हारी रगों में बहता हुआ हिंदुस्तानी खून पेश करूं, मगर नहीं, शंभू के हाथ मजबूर हैं। और फिर जिसे फांसी की सजा मिलनी हो उसे भला हम क्यों मारेंगे? रियासत के कानून का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन करना कुत्ते से सीखो। क्या? कुत्ता तो अपने मालिक की रक्षा करता है, तुमने अपनी मातृभूमि का सौदा कर लिया। सांगा! कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, कल सुबह तुम्हें फांसी मिलने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस खींच लेगी। वरदान को अगर नीचे गिरा दिया जाए तो जो देवी के वरदान पर उठा। हुँ?
खबर कर दो कि सांगा मर गया है। बच्चे की बधाई हो राधा। बधाई तो बच्चे के बाप को दी जाती है। कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है? न जाने कौन सी मिट्टी का बना हुआ है भगवान। उधर सांगा की जान ले ली, इधर राधा को बेटा दे दिया। भीमा, हम सबका इस रियासत से निकल जाना बहुत जरूरी हो गया है, और वो भी आज ही। हम लोग रियासत को छोड़कर भागना चाहते थे, तुम लोग गद्दार हो, और अब तुम लोगों को हमारा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। गुलाम वो अच्छा जो जवान हो, बच्चे और बूढ़े हमारे किसी काम के नहीं। एक एक करके बूढ़े और बच्चों को गोली से उड़ा दो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, नहीं मेरे बच्चे को नहीं, मेरे बच्चे को। ढूंढकर उसके बच्चे को मार डालो। वो इधर किधर चुपी होगी, ढूंढो उसे, उसके सामने उसके बच्चे को मार डालो। देवी माँ, इसकी रक्षा करना। समुद्र में जिंदा लोग ही डूबता है, सिर्फ लाश बहकर बाहर आता है। भगवान, अगर किसी को पता चल गया कि चारुमति को फिर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है तो सांगा का बच्चा, सांगा और उसका सारा परिवार खत्म हो गया। देवी माँ ने ये बच्चा चारुमति के लिए ही भेजा है। जाओ सबको खबर कर दो कि चारुमति ने राजकुमार को जन्म दिया है। सांगा के साथ साथ उसका परिवार भी खत्म हो गया। परिवार क्यों, ये नन्ना राजकुमार जो है, अब हम इसे अपनी सुरीली के साथ पालेंगे। लेकिन इसका नाम क्या है? एक दिन सांगा ने कहा था अगले बरस इसका नामकरण संस्कार करेंगे और इसका नाम भारत रखेंगे। मेरी बीवी बच्चे, भीमा, मेरे किसान साथी, सबको मार दिया उन्होंने। हाँ सरदार। ये मेरी तेरे नकली तो नहीं मरा है ना? मोहन,
जहाज पर कब्जा कर लो। ठीक है सरदार। खूनी सौदागरों के आने जाने का रास्ता समंदर है, इन्हें आते जाते हमारा सामना करना होगा। हमें हिंदुस्तान की इस खून की सौगंध है मोहन, हम इस खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। वक्त की धारा के साथ साथ क्रांति का जहाज आगे बढ़ता रहा। इंग्लिस्तान से आने और जाने वाले हर जहाज को हमारा सामना करना पड़ता। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, वैसे वैसे क्रांति का निशान आजादी की जंग का प्रतीक बनता गया। दुनिया सांगा को क्रांति के नाम से जानने लगी। सरदार, फिर वही हुआ सरदार। क्या हुआ? काम करते हुए अंग्रेजों पर दूसरे क्रांति का हमला, जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सिरों पर वो क्रांति की मोहर लगा गया, बिल्कुल हमारे निशान जैसी। सरदार, एक मुद्दत से ऐसा हो रहा है। कौन है वो जो जुल्म करने वाले अंग्रेजों के सीने पर हमारे निशान की मोहर छोड़ जाता है? कौन हो सकता है वो? जब जिंदगी दौड़ती है मोहन, तो रगों में बहता हुआ खून भी दौड़ता है। क्रांति के नक्श कदम पर चलने वाला दूसरा क्रांति, जो भी हो जहां भी हो, हमारा अपना है। साथियों, करीम खां वो करीम खां हैं जो महारानी झांसी के शहीद होने के बाद अंग्रेजों से गिन गिन के बदले लेता रहा, लेकिन अफसोस वो यहां इस रियासत में आकर पकड़ा गया। और खबर मिली है कि कल भरे दरबार में सबके सामने उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। लेकिन सरदार, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास अंग्रेजी तोपें भी हैं। अगर उनके पास अंग्रेजी तोपें हैं तो हमारे पास हिंदुस्तानी सीने हैं। क्रांति जिंदाबाद। सुरीली बेटी। बापू, पंडित की बेटी से पूछ लो, कल की सारी तैयारी हो चुकी है। महारानी झांसी की हारी हुई फौज के भागे हुए सिपाही करीम खां, मौत से पहले कुछ कहना है? जिस जमीन में दफन होना है उस जमीन की कसम, जब तक हिंदुस्तान पे अंग्रेजों का जुल्म होता रहेगा तब तक करीम खान जैसे बागी पैदा होते रहेंगे। सेनापति जी हुकुम। इसे अभी इसे वक्त तोप से उड़ा दिया जाए। महाराज शमशेर सिंह जी के थू। महाराज की जय। अंग्रेजों के जूते चाटने वाले महाराज की जय कहने से पहले काश आप लोग चुल्लू भर पानी में डूब गए होते। क्षमा कीजिएगा महाराज, आ जाने में जरा देर हो गई। आज पुजारी जी खुद नहीं आए? इधर पुजारी जी को बुखार ने जकड़ा, उन्होंने मुझे पकड़ा और कहा कि जल्दी जाओ, क्योंकि महाराज देवी माँ के चरणों को छुए बगैर कोई कार्य शुरू नहीं करते। अच्छा। और आज का कार्य तो बड़ा गर्मा गर्म है महाराज। सब देवी माँ की कृपा है। ओम त्रिनेत्राम हस्ति संयुक्ता सर्वलंकार भूषताम विजंता माम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशने। देवी माँ पापियों का नाश करने वाली। महाराज, आज तो देवी माँ की दृष्टि आपकी ओर है। बस अब पापी का नाश हुआ समझो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सिपाहियों, चला दो। तो महाराज, आज का शुभ दिन बार बार नहीं आने वाला। मतलब? मतलब ये कि जब देवी माँ की इतनी कृपा है तो शुभ कार्य शुरू करने से पहले माँ का भजन कीर्तन हो जाए,
माँ और भी प्रसन्न हो जाएगी और फिर पाखंडियों को पता चल जाएगा कि हमारी भावनाएं क्या हैं। आज्ञा है, आज्ञा है। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, बरस तेरी चुनर को धानी कर देंगे, अब के बरस। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी, ये जिंदगानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। युवराज जी, ये मूर्ति किसकी है? धरती की रानी। ये मूर्ति देवी की नहीं, भारत माता की है। हमको प्यारी मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी, मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है, देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला, अब के हमने जानी है सपने मन में खानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे, अब के बरस, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले, चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर, हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर, यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना, बहुत सह लिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं, सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी
करीम खां को तोप से उड़ाया जाए। करीम खान, मेरा नाम भारत है और ठिकाना किशनगढ़ी, कभी भी आ जाना। जमीन हो या समंदर, ऑलमोस्ट 25 साल से क्रांति हर जगह अपने निशान की मोहर लगाता जा रहा है। रिपोर्ट इज अरेस्ट, आई मीन थॉमस, वो गिरफ्तार होगा। कैसे? हाँ, हमने फैसला कर लिया है कि हम अपना पुराना सेनापति बदल देंगे। ओ, आपकी सेना का नया पति कौन होगा राजा साहब? महाराज के बेटे युवराज हीरा। नहीं, हमारा नया सेनापति हमारी बहन का इकलौता बेटा शक्ति होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नए सेनापति का सबसे पहला कारनामा गद्दार क्रांति की गिरफ्तारी होगा। महाराज की आज्ञा का पालन करना सेनापति का कर्तव्य है। हथियार चलाने वाले को परखे बगैर उसे सेनापति बनाना रियासत के कानून के खिलाफ है। युवराज, कौन सा कानून? महाराज, एक तरफ सेनापति बनने वाला उम्मीदवार, दूसरी तरफ उसकी मां, और बीच में घूमती हुई मछली। फिर शक्ति सिंह जी, सेनापति बनने वाला उम्मीदवार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर घूमते ही मछली की आंख को अपने तीर का निशाना बनाएगा। और याद रहे, अगर निशाना जरा भी चूका तो तीर मछली के पीछे खड़ी मां के सीने में जा लगेगा। इस मां के सीने में। शक्ति ना तो किसी चुनौती से डरने वाला है और ना ही सौदा करने वाला है। कौन सा सौदा? आपकी शर्त में सौदा है युवराज जी, और मैं सेनापति बनने के लिए आपकी शर्त के तराजू में अपनी मां को नहीं बिठाने वाला। हमारा बेटा घूमती हुई मछली की आंख को अपने तीर का निशाना बनाएगा। मां, आप मछली के लिए हुक्म दीजिए। आपका निशाना तो चूक गया। मेरा पहला तीर मां के चरणों में प्रणाम है मेरा। अब बारी मछली की आंख की है। सेनापति शक्ति। मां, कल महाराज रियासत का राजा भी उसे बना देंगे। अगर शक्ति को राजा बनाना होता तो अपनी बहन के विधवा होते ही चालाकी से उसकी रियासत को हम अपनी रियासत में शामिल नहीं कर लेते। शक्ति के सेनापति बनने से माँ बेटे दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद। लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? अरे युवराज जी, शंभू जैसे मामा जी के होते हुए आपको किस बात की चिंता है? शक्ति तलवार चलाएगा और आप राज करेंगे, वो भी सिर्फ अपनी रियासत पर नहीं बल्कि पड़ोस वाली रियासत शिवपुर पर भी। वो कैसे? रियासत शिवपुर के महाराज गंगाधर जी ने अपनी बेटी राजकुमारी मीनाक्षी का हाथ आपके हाथ में देने की ख्वाहिश जाहिर की। राजकुमारी मीनाक्षी? अब बात समझ में आई राजकुमार जी? जाइए, स्वागत की तैयारी कीजिए। कल यहाँ पहुँच रही है राजकुमारी मीनाक्षी से। राजकुमारी जी,
अकबर जी आप ठीक तो हैं? शट अप जी। दरमियान सिंह ये घोड़े हैं या गधे? गधे गधे। चुप गधे। जी जी राजकुमार जी, राजकुमार जी ये पहिया टूट गया। ओ शट अप। ए सिपाहियों हमारे आराम के लिए टेंट लगाओ और कहीं से पहिया बनाने वाले को लेकर आओ। हम रामगढ़ अपनी सवारी पर ही जाएंगे और आप जी और आप अपना काला मुंह धोकर आइए पानी से। ए पंडित की बेटी, मेरा नाम शीतल है। शीतल हो या पीतल, है तो तू पंडित की बेटी ही ना। काम क्या है बोल। अपने बापू से कह दे कि पढ़ दे मंत्र और करवा दे मेरा ब्याह। किससे? भारत से। बेशरम कहीं की नाम लेती है? ले, मैं कोई उसकी होने वाली जोरू हूँ क्या जो उसका नाम लेने से शर्माऊं? हाँ शर्म तो मुझे ही आनी चाहिए जो कि शर्म के मारे आज तक उससे कुछ भी नहीं कह सकी। तो मैं कह दूं, भारत सुरीली के मन को तुम्हारी प्यार की अग्नि ने घेर रखा है। तो हम बुझा देते हैं अग्नि। कौन हो तुम? नाम दरमियान सिंह, काम आग बुझाना। जय राम जी की। जय राम जी की। डाकू ने हमारी क्या हालत बना दी, हमारे सारे आदमियों को मार डाला। हम उन्हें गोली से उड़ा देंगे, कहाँ है वो? गोली चलाने के लिए ताकत है आपके हाथ में? गोली। इससे पहले कि ये मर जाए, पूछो इससे कि असली डाकू कौन है। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। हमारी आदत है कि दूसरों को अच्छी आदत सिखाएं। भाग गया आपका पालतू कुत्ता। तमीज से बात करो। हमारे कब्जे में रहोगी ना तो तमीज भी सीख जाओगी। वो राजकुमारी जी का है। सुरीली रास्ते से हटती नहीं, रास्ते से हटाती है।
फौजों ने बस्तियों में आग लगानी शुरू कर दी। राजकुमारी राजमहल पहुंचेगी, लेकिन वो राजकुमारी सुरीली होगी। सुरीली तुम तैयार हो जाओ। मैं? चिंता की कोई बात नहीं, हाँ तो राजमहल में तुम्हें कोई पहचानता है और ना ही मीनाक्षी देवी को कोई जानता है। ये ताजा ताजा इंग्लिस्तान से आई है। मगर मेरा मतलब है शहजादी साहिबा के तौर तरीके। तौर तरीके? बदतमीजी से बात करो, इंसान को इंसान मत समझो, तो अपने आप मीनाक्षी देवी बन जाओगी। युवराज, ये लकड़ी के घोड़े पर? लकड़ी का घोड़ा नहीं, बाइसिकल। लंदन से हमारे लिए खास तोहफा भेजा गया है। दरबान, कौन आया है? आया? आई को आया किस गधे के बच्चे ने कहा? कौन हो तुम? राजकुमारी मीनाक्षी देवी को न पहचानने वाला शायद गधे का बाप है। राजकुमारी जी, आपका गुस्सा बजा है। हमारा गुस्सा कोई चौराहे का घंटाघर नहीं, जो बजा है, समझे? ये तो बड़ी बदतमीज है भाई जी। दीदी, शादी के बाद इनकी रियासत अपनी है, उसके बाद इसे तमीज हम सिखा देंगे। तब तक ये जूते भी मारे ना, उसे बर्दाश्त करते रहो। अरे जाओ ना, जाओ स्वागत करो।
हमारे साहब के आगे झुको, नहीं तो हमेशा की तरह मार खाओगी। मैं हमेशा की तरह मार खाकर बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन मरूंगी नहीं। तलवारी काफी है सरदार। सरदार, इन गोरों के दिल का रंग जो काला है ना, हमने इनके मुंह पर लगा दिया। ले जाओ इस दरिंदे को और फेंक दो राजमहल के दरवाजे पे, ताकि अपने बाप दादा को बता सके कि आइंदा अगर किसी हिंदुस्तानी पे जुल्म हुआ तो फिर ये तलवार। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारी मां जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देती मैं उसे? और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा बेटा जो भी है, जहां भी है, क्या जवाब देता मैं उसे? बेटे सरदार, अब चलो। अच्छा तो चलूं। सुनो बेटे, तूने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम, मेरा काम क्रांति है, क्रांति। यही है वो गुलाम औरत राधा, जो क्रांति के बारे में सब कुछ जानती है। कहाँ रहता है क्रांति? कहाँ है उसका ठिकाना? आज से उसका ठिकाना इस माँ का दिल है, आत्मा है। हम तुम्हारी आत्मा झंझोड़ सकते हैं? तोड़ तो नहीं सकते। बुढ़िया, बोलो बेटे। उठाओ हाथ, मारो तुम भी हंटर। ये माँ है, देवी माँ, पाप से पलने वाली महलों की राजकुमारी नहीं। हम राजकुमारी मीनाक्षी देवी हैं। बोधन, मीनाक्षी देवी कोई जानवर नहीं जो ये टुकड़े खाए। ले जाओ और फेंक दो अपने सरदार के सामने। जो लोग अनाज का अनादर करें वो इस लायक नहीं होते कि उन्हें जानवरों का बचा हुआ खाना भी दिया जाए। हम पूछते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? हीरे जवाहरात, ये लो, ये लो, ये लो। भारत भैया, कोई खबर? सुरीली ने महल से खबर भिजवाई है कि देश के अनमोल हीरे मोती जवाहरात और देवी देवताओं की सदियों पुरानी मूर्तियां एक बहुत बड़े जहाज पर लाद दी जाएंगी। लाद दी जाएंगी, और वो जहाज उन अनमोल चीजों को लेकर हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान चला जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक दिन एक जहाज हमारे देश से हमारा कोहिनूर हीरा ले गया था। तुम लोग तैयारी करो। जी। मान लो कि तुम हमेशा की तरह आज भी कामयाब हो जाओ तो क्या होगा? कहाँ जाएगा वो सामान? कौन ले जाएगा वो हीरे जवाहरात? एक चोर, एक डाकू, लुटेरा? हम पूछते हैं वो लूट का माल जाता कहाँ है जिसके लिए तुम लोगों का खून करते हो? ये क्रांति, ये इंकलाब सिर्फ एक झूठा नकाब है तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के चेहरों पर। कमजोर आत्मा आंखें भी कमजोर कर देती है। अगर नकाब के पीछे असलियत देखना चाहती हो ना तो मेरे साथ ऊपर चलो। ये हमारा शोमू मलमल बनाया करता था, ढाके की मलमल, जिसका पूरा थान
एक छोटी सी अंगूठी से निकल जाया करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसके साथ ये जुल्म किया। राजकुमारी, ये हाथ सिर्फ शोमों के नहीं कटे, बल्कि हिंदुस्तान की कला के कटे हैं। ये किसान अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी किया करता था। बाढ़ आई, फसल तबाह हो गई, लगान नहीं चुका सका। ये लगान की माफी के लिए ये मामूली से अंग्रेज अफसर के पास गया तो वही हुआ जो अंग्रेज करते हैं। किसान की आंखों में लोहे की गर्म सलाखें डाल दी गईं और इसे अंधा कर दिया गया। ये औरत अपने परिवार की परंपरा के अनुसार अपने पति की चिता के साथ जल के सती होना चाहती थी। फिर कि अंग्रेजों ने इसे चिता से उठा लिया और उस रात ना जाने कितने अंग्रेज सिपाहियों ने इस औरत की इज्जत को लूटा और पागल हो गई। इतना जुल्म हुआ इस देश के लोगों पर और हमें कुछ भी नहीं मालूम। तरस आता है आप लोगों पर, आप लोगों की आत्मा की ओढ़नी, भावनाओं की चुनर बिल्कुल दागदार हो चुकी है। हम तैयार हैं। अच्छा तो राजकुमारी मीनाक्षी देवी, डाकू चले डाका डाल लें, क्योंकि हर दागदार चुनर को धानी करने के लिए तन मन धन सभी की जरूरत होती है। जानते हो हमारा रास्ता रोकने की क्या सजा है? शायद आप नहीं जानते कि हमारे रास्ते पे कदम रखने की क्या कीमत है। ये रास्ता तुम्हारे बाप का है? ये नहीं, ये रास्ता आपके बाप का है और आपके बाप ने मुझे बेटा बना के कहा था कि बेटे अपनी मां की रक्षा करना। मिट्टी तो सबकी माँ होती है रास्ता रोकने वाले। तो हम एक ही माँ के बेटे हुए ना, रास्ते से हटाने वाले। हमारे एक इशारे पर हमारे सिपाही तुम्हारा सर कलम कर सकते हैं। सबसे बड़ी कलम तो ऊपर वाले के हाथ में है सेनापति। देखें वो हमारी इस मुलाकात का क्या फैसला लिखता है। सेनापति खुद अपनी तलवार से तकदीर लिखता है। तलवारों से लिखी हुई तकदीर को बदलना हमारा हर रोज का काम है सेनापति। और ये भी सुन लो कि इन गाड़ियों में जो हमारे देश की अनमोल चीजें हैं ना, हम इन्हें इंग्लिस्तान नहीं जाने देंगे। Thank you.
सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू, खून का बहना भी बंद कर देती है। और हाँ, अगर इस मिट्टी से फायदा पहुंचे ना, तो इसका कर्ज चुका देना। Shashi,
कर गिरना, गिर कर उठना, जीवन की रीत पुरानी है। उठ कर गिरना, गिर कर उठना, जीवन की रीत पुरानी है। क्या खबर लाए हो मोहन? कल एक जहाज पंजाब के क्रांतिकारी कैदियों को लेकर यहां से होता हुआ काले पानी जा रहा है। समंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे, मगर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। कल हमारा जहाज उन फिरंगियों के जहाज के सामने होगा। कौन? क्रांति? हाँ, क्रांति। क्या चाहते हो? जंग आजादी के उन बहादुर सिपाहियों की रिहाई जिन्हें तुम कैद करके काला पानी ले जाना चाहते हो। कांठे, हम तुमको भी काला पानी ले जाएंगा। तूफानों का मुंह तोड़ने वाले क्रांति को कैद करके बस में करना तुम जैसे बुजदिलों का काम नहीं। क्रांति की मांग आजादी है, आजाद कर दो हमारे देशवासियों को। सुना? ओके, तुमको तुम्हारा आदमी मिलेगा। कैदी लोग छोड़ो। बच्चों के साथ इसको भी कश्ती में बिठा कर रिहा कर दो। सरदार, इसे क्यों?
इसकी छाती पर क्रांति की मोहर लगेगी, जिसे ये जाकर सारी दुनिया को दिखाएगा। सर, this is what क्रांति has done to our men. उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। सेनापति शक्ति जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। नो 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 नो, क्रांति तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का आम लोग उससे नफरत ना करने लगे। डिवाइड एंड रूल, आई मीन अगर नहीं समझे तो। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर थॉमस कि शंभु का दिमाग दो धारी तलवार है। हमने तुम्हें कली से फूल बनाया, तुम्हें हमारा एहसान मंद होना चाहिए। पुजारी मर गए, वो भी क्रांति के छुरे से। सब बर्बादी की हमने, अलोक नाम लेंगे क्रांति का, क्रांति का। क्रांति खुद भी हैरान होगा, कैसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सरदार, ऐसा हुआ है। हम जिसे आज तक दूसरा क्रांति समझते रहे हैं, वो एक मामूली लुटेरा निकला लुटेरा। नहीं, नहीं। हाँ हाँ, उसने गरीब किसानों के घर लूटे, उनके खेत जला डाले। उस वहशी दरिंदे ने मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है। मेरे हौसलों के ईमान का चेहरा इतना भयानक निकला, इतना दुष्ट निकला, ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म ने, मेरे जिस्म ने मेरी आत्मा से विश्वासघात किया। मेरी प्रेरणा ने मुझसे विश्वासघात किया, लेकिन मां की सौगंध, क्रांति की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और घिनौने हाथों को मैं खत्म करूंगा। कौन हो तुम? मुसाफिर है। मुसाफिर? अरे भाई, सराया है, तबला तो नहीं है? क्या चाहिए तुम्हें? नहीं भाई जी, निकलो। अब बताओ क्या चाहिए? रहने के लिए जगह और इस सामान का खरीदार। काम समझ में आया अल्लाह रखा? बाबा बाबा भाई जान, क्रांति, क्रांति और अल्लाह रखा की सराय में वो काले कपड़े और काली दाढ़ी वाला आदमी क्रांति है, इसका सबूत क्या है? हुजूर, क्रांति की मोहर। कल के क्रांति को आज के क्रांति का सामना करना होगा। अरे भाई, वो खुद सौदा करना चाहता है मगर अकेले में। तो उससे कह दो कि कल पुराने मंदिर के पिछवाड़े में आ जाए। मेरा पहला बार प्रणाम है उस क्रांति को, उस क्रांति को जो मर चुका है। और मेरा पहला बार आशीर्वाद है उस क्रांति को जो अब मर चुका है। मर चुका है वो क्रांति, वो क्रांति जो कभी तूफानों को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा करता था। मर चुका है वो। ठीक कहते हो, मर चुका है वो, मर चुका है वो क्रांति जिसकी जिंदगी के लिए समंदर की लहरों में दुआएं भर भर के भेजा करता था। मैं मानता हमें कि अगर हम मिट भी गए तो कोई तो है
जो क्रांति का झंडा लेकर आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। मगर धिक्कार, धिक्कार, जिसने हमारी उम्मीदों को जिंदा किया वो बदबख्त खुद ही मर गया। मर गया है वो जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था। मर चुका है वो जो कभी धरती मां की रक्षा किया करता था। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती मां का नाम भी लाए। अगर तुम्हारे लिए धरती आज भी पावन है, पवित्र है, तो फिर धरती पर जुल्म किस लिए? हर जुल्म की सजा मिलेगी। मिलेगी। तुमने बेगुनाह किसानों पर जुल्म तोड़े हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। झूठ! तुमने मासूम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। खामोश! मुलाकात का हमें एक अरसे से इंतजार था। ले जाओ इन्हें। यह क्रांति है या नहीं, मगर हमारे लिए यह क्रांति से भी बड़ा मुजरिम है, हमारा पुराना मुजरिम सांगा। महाराज, ये वही सांगा है जिसने आपके भाई साहब महाराज लक्ष्मण सिंह जी का कत्ल किया। ये वही सांगा है जिसने हमारा हाथ काटा। मौका नहीं मिला वरना गर्दन काट देता। गर्दन और हमारी? नहीं नहीं नहीं। देखा शंभू के बाएं हाथ का कमाल है? अब तो ये लोहे का है। तुम्हारा क्रांति से क्या ताल्लुक है? वही जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। तो तुम गद्दार हो? हाँ, मैं गद्दार हूं। तो तुम अपने जुर्म मानते हो? मानता हूं, मैं मुजरिम हूं। लेकिन आपका मुजरिम नहीं, मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं।
जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है, कहता है धिक्कार है तुम पर सांगा, धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके, अब तक अपने महाराज की मौत का बदला नहीं ले सके, उन बच्चों की मौत का बदला नहीं ले सके जिन्होंने अपनी माओ की कोख में ही दम तोड़ दिया था। कौन से बच्चे, कौन से माओ, किसकी बात कर रहे हो तुम? अवध की बेगमात से लेकर गरीब किसानों की बहु बेटियां, पर्दों में रहने वाले शरीफ जादियों की बात करता हूं, जिनको फिरंगी दरिंदे खींच कर बाजारों के चौराहों पर लाए, उनको बेआबरू किया और अपनी हविस का शिकार बनाया। इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली, हमारी मस्जिदों को शहीद किया, और ये घोर पाप सिर्फ हमारी कौम, हमारी सभ्यता को कुचलने के लिए, इस देश पर हुकूमत करने के लिए। ये काला आदमी सफेद झूठ बोलता है, और ये सफेद लोग काले कारनामे करते हैं। मर्द तो मर्द, अंग्रेज औरतों ने हमारी बहु बेटियों की मुर्दा लाशों पर जेवर तो क्या मंगल सूत्र तक नहीं छोड़े, हमारी कमसिन बच्चियों के कानों से इन लोगों ने बालियां नोची हैं, जिन हाथों से चूड़ियां नहीं निकाल सके उनकी कलाइयां कटवा दी हैं इन्होंने। सांगा, उनकी तो सिर्फ कलाइयां कटी थी, लेकिन आज हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। एक क्रांति मरेगा शंभु, तो हजार क्रांति पैदा होंगे। तुम्हें और कुछ कहना है? इनके हेस्टिंग्स से हमारे मुल्क का इंकलाब उसके जुर्म का गिन गिन के बदला लेगा। हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहो। लॉर्ड होगा वो तुम्हारे लिए, इंसानियत की अदालत में वो हमेशा मक्कार ठहराया जाएगा। ये हमारे सामने शरीफों की इज्जत उछाल रहा है। सिपाहियों, इसे अभी इसी वक्त मार डालो। नहीं सर थॉमस, नहीं, ऐसे भयानक मुजरम को इतनी आसानी से नहीं बल्कि तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, ताकि आइंदा कोई गद्दार न बन सके, कोई क्रांति न बन सके। ले जाओ इसे। सुनो, अगर तुम दोनों एक हो तो आप उसमें लड़े क्यों? लड़ाई कराने वाला खुद लड़ाई की वजह पूछे तो उसका क्या जवाब होगा? सिर्फ इतना कि याद रखें कि जुल्म और झूठ की डाली पर एक बार फल लगता है, दोबारा नहीं। हमें एक की तलाश थी और दो मिल गए। एक ही ने नाक में दम कर रखा था, दो तो जान ले लेंगे। क्या कहा? जान। तुम हमें अपने साथियों को पता बता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये देखो इसकी चमक, तुम सिर्फ अपने साथियों का पता बता दो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बेचकर इंसान खरीदना चाहते हो? बोलो, सौदा मंजूर है? यूं लटके लटके थक जाओगे तो तुम दोनों में से एक झुक जाएगा। इस तरह जिसे नींद आएगी वो खुद तो मरेगा ही, साथ में दूसरे को भी ले मरेगा। एक को नींद आ गई और वो सो गया। आप दोनों मर जाएंगे। मुन्ना, आपने पुकारा, माफ करना, धोखा दे चला था तुम्हें।
वर्षों के बाद न जाने बेटे की याद कैसे आ गई। लगा जैसे मेरे साथ साथ है वो, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे सुला रहा हूं। इसी में नींद आ गई। कहाँ है आपका बेटा? क्रांति के पथ पर है। और वो नौजवान जिसके इरादों में क्रांति है वो मेरा बेटा है। और मैं तुम छोटे सरदार हो। दरोगा, बात करने के जुर्म की इन्हें सजा दी जाए। मारो हंटर। हमें हमला आज ही रात करना पड़ेगा। हमारा सरदार अंदर ही बंद है। सरदार? अगर तुम्हारा सरदार अंदर है तो हमारा सरदार भी इसी कैदखाने में है। लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर और होशियार है कि उन्हें छुड़ाना लोहे के चने चबाना है। तो ये फिर सब कैसे होगा? उन्हें छुड़ाने के लिए दुश्मनों को शायद चने खिलाने पड़े। चने? चनों से क्या होगा? वो चना जिनमें नशा मिला होगा इन सालों के होश उड़ा देगा। कौन हो तुम? अरे हुजूर, चने वाला। और तुम? चने वाली। वारी मेरी चने वाली। नाम है सुरीली। सुरीली सुरीली। वारी मेरी चने वाली। हम गाते हैं, हम बजाते हैं, लोगों को चना खिलाते हैं। अरे क्योंकि हमारा चना सिर्फ चना ही नहीं, हमारा चना दिल है, दिलदार है, अरे यारों का यार है। हाजिर हाजिर मेरी सरकार है। चने वाली, तुम्हारा चना तो दारोगा के दिल में अंग्रेजी गोली की तरह घुस गया। हुजूर, अगर हुक्म हो तो ये चना पेश करने से पहले इस चने के बाकी गुण पेश करूं? इजाजत है। दुनिया के हालात गरम पर अपना एक करम। चना जोर गरम बाबू मैं लाई मजेदार। चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। चना जोर गरम चना खा गया घोड़ा, खा के बन गया तगड़ा घोड़ा। मैंने पकड़ के उसे मरोड़ा, मार के टंगड़ी उसको तोड़ा। चना जोर गरम शराबी, शराबी, चने की आँख शराबी।
इसका कोई नहीं जवाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी, जैसे कोई कुड़ी पंजाबी। नाचे चलन चलन, नाचे चलन चलन, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, गर्जी का खुद गर्जी का, सर कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है, मेरा चना है अपनी मर्जी का, मर्जी का भाई मर्जी का, अपनों से नाता जोड़ेगा, लहरों के सर को फोड़ेगा, अपना ये वचन निभाएगा, माटी का कर्ज चुकाएगा, चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, मिट जाने को मिट जाए है खुद गर्जी का, गर्जी का खुद गर्जी का, मेरा चना है अपनी मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का, खुद गर्जी का खुद गर्जी का, you
राजकुमारी जी, आप इसे जानती हैं? सिपाहियों, चलो मेरे साथ। राजकुमारी जी, आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या? आपके पिताजी महाराज गंगाधर जी ने बेवकूफी की और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। फिर? बस, आपकी रियासत के वजीर को राजा बना दिया गया और अफसोस से कहना पड़ता है आपके पिताजी को मार दिया गया। कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है? मैं पूछती हूँ, कौन कहता है कि मेरा बाप मर गया है? मेरा बाप अमर है। मेरा बाप राजकुमार जी, राजकुमार जी उठिए राजकुमार जी, हाथ मत लगाओ मुझे। संभलिए राजकुमारी जी, राजकुमारी इस तरह रोया नहीं करती। ठीक कहा आपने, राजकुमारियां इस तरह से रोया नहीं करती। क्रांति जिंदाबाद। चिंता मत करो सरदार, हमें आपकी जान ज्यादा प्यारी है। अच्छा, अब आप लोग आराम कीजिए, हम चलते हैं। लेकिन ये टांगा यहाँ से ले जाना चाहिए। हाँ मुखिया जी, होशियार रहिएगा। राजकुमारी, वो तो कब की मर चुकी, अब तो मैं सिर्फ मीनाक्षी हूँ, एक सरदार की सिपाही, एक इंसान की पत्नी। मतलब? लड़कियों को सुहागन बनाने के लिए लोग उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं, मगर मैंने तो क्रांति के पावन और पवित्र निशान से तुम्हारा खून लेकर अपनी मांग में भरा है। अगर ये काफी नहीं तो मैं भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है। ना, मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम नहीं जानती मेरे साथ कदम कदम पे खतरा है। इसीलिए तो तुम्हें अपना पति माना है। मीनाक्षी, मैं खाओ क्रांति की कसम और कहो कि तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मान सकते। झूठी कसम कैसे खा लूं? हाँ, लेकिन मीनाक्षी, भावनाओं में बहकर तुमने अपना जीवन गिरवी डाल दिया है। मेरे एक कदम पे जिंदगी है तो दूसरे कदम पे मौत है। मौत छोटी हो या लंबी, जिंदगी जिंदगी है। मतलब? लंबी लंबी उम्र आपको छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी।
प्याला पिना के आती हूँ। अरे फिर सो गए मुखिया? ये तांगा उनका है। मैं बार बार कह चुका हूँ यहाँ कोई नहीं आया। सिपाहियों, मेरे पास गिनने तक अगर ये नहीं बताए कि वो कहाँ छुपे हुए हैं, इन सबको मार दो। एक, दो, तीन। शंभू सिंह, तुम्हें मेरी जरूरत है ना? मैं आ गया। रुकिए, महाराज से थॉमस का हुक्म है कि जो जो पकड़े जाए उन्हें कैदी बनाकर जहाज तक पहुंचा दिया जाए। चप्पू चलाने के लिए गुलामों की जरूरत है। पानी, नहीं, पहले सरदार को पानी पिलाओ। खबरदार, इसे पानी नहीं मिलेगा। इसे पानी मिलेगा। ले, ले पानी पी ले। ए, बुढ़िया। बोलो बेटे। लो बेटे, पानी पियो। बुढ़िया की सजा सरकार, बुढ़िया को पानी पिलाने की सजा। गुलामों को जहाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। खड़े क्यों? चलो जल्दी करो, चलो नीचे, जल्दी करो, जल्दी क्या? मेरा नाम है लायन सिंह, मतलब शेर से, अंडरस्टैंड? तुम क्यों खड़ा है? मैं चप्पू नहीं चलाऊंगा। यू काला कुत्ता! लायन सिंह ने बड़े बड़े 30 बार खांसी देकर दिए हैं। मुझ खेत की मूली नाउ स्पीक, किस खेत की मूली हो? ये उस खेत की मूली है शेर सिंह, जिस खेत की मिट्टी को तुम्हारे बाप दादा पूछते रहे। करीम खान, सेड यू व्हाट? बोलो बोलो, तुम क्या बोले? यही कि ये भी चप्पू चलाएगा। हाँ, ये भी चप्पू चलाएगा। लायन सिंह, मैडम, ऊपर आओ। कमिंग मैडम, कमिंग कमिंग। मेरे दोस्त, अरे मेरी गवर्नमेंट, मेम साहब के साथ साथ उसको खुश रखना भी मेरा ही फर्ज है। हैं? ले छोकरी, ऊपर की सफाई के साथ साथ नीचे वालों को पानी पिलाना भी तुम्हारा ही काम है, समझी? पानी, पानी। मैंने कहा था ना कि मेरे साथ कदम कदम पे खतरा है। तुम्हें प्यास लगी है, पानी पी लो। पानी गुलामों को पिलाया जाता है, यारों को नहीं। चल ऊपर, तेरी लपड़ ली जाएगी। चल चल चल। ए भाई, जंग में पहली हार के बाद
जब हम मुट्ठी भर सिपाही रह गए थे अपनी महारानी के साथ, महारानी झांसी के साथ, तो जानते हो उस वक्त उन्होंने क्या सोचा, क्या कहा? अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखें, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखें। वो लड़ाई होगी करीम खान, वो लड़ाई होगी। इस जमीन पर रहकर अब हम क्रांति का झंडा लहराएंगे जैसे वो लहराया करता था। वो कौन सरदार? वो जिसका नाम लेते ही गर्दन फख्र से ऊंची हो जाती है, जिसकी याद आते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या जंजीरों में जकड़कर क्रांति बेबस हो जाता है? वो लड़ाई कब होगी भाई? जरूर होगी। कब होगी वो लड़ाई? कब होगी वो लड़ाई? क्या इनकलाब के सिपाही घुट घुट कर मर जाएंगे? क्या हमारी बाकी जिंदगी सिर्फ चप्पू चलाने के लिए बची है? क्या हमारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गया है? आखिर वो लड़ाई कब होगी भाई? वो लड़ाई कब होगी? कब होगी? कब होगी? करीम, अब तो बर्दाश्त खुद कहती है भाई कि बर्दाश्त की हिम्मत नहीं, बगावत कर दो। हरामजादो, बगावत की बात करते हो? शेर सिंह तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। अबे अबे अंग्रेज के कुत्ते, जोर से मार मार चूहे मार। मार चूहे मार। वो क्या सुनाया था तुमने? क्या कहा था झांसी की रानी ने? हाँ भाई, महारानी झांसी ने कहा था, अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखें, वो लड़ाई हो कि अंग्रेज जिसे याद रखें। समझे? समझा? तू? हाँ मैं। अंग्रेज के कुत्ते, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुत्ते, कमी। हरामजादे, लड़की पे हाथ उठाता है? अरे मर्द का बच्चा है तो खोल दे हम में से किसी के हाथ, और फिर देख शेर सिंह चूहे की मौत न मरा तो कहना। करीम खान, तुझे मैं बाद में देखता हूँ, पहले इस हरामजादी से निपट लूँ। कम ऑन बास्टर्ड। तुम अंग्रेजी बोलती हो? Yes, अंग्रेजी बोलने वालों के से तुम जूते चाटते हो। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत है तो इन सब के पैर छूकर इनसे माफी मांगो। मैं इनसे माफी मांगू? इन हिंदुस्तानियों से? Yes, you bastard. मैं bastard? हाँ, तुम bastard हो, हरामी हो, कुत्ते हो, कुत्ते। तुम सिर्फ राजपूतों के नाम पर ही नहीं, सारे हिंदुस्तान पर कलंक हो कलंक। ये अंग्रेजी बारूद हिंदुस्तानी जिस्म को बहुत रास आता है। पानी पानी। ठहरो, आज किसी को पानी नहीं मिलेगा। गोली चलानी है तो चला लो, मैं इसे पानी पिलाऊंगी। मुखिया जी उठो, लो पानी। गया? अरे कुत्तों, तुम्हारा साथी मर गया। कराई रो। शेर सिंह, इसकी मौत पे आसमान रोएगा, रोएगा आसमान, और बदला लेंगे हम। ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल बाहर की निशानी है। शेर सिंह, इस बार काले बादल, बादल इस बार लाल पानी बरसाएंगे। शेर सिंह। यस सर।
लाश को समुंदर में फेंक दो। Go and gone. क्या सिंह? Yes sir. Yes sir. तुम idiot हो। You are right sir. तुम गधे हो। Thank you sir. Sir, असली हीरे की पहचान वो आप जैसा जोरी जानता है। इतनी खूबसूरत लड़की ऐसे कामों के लिए नहीं होती। Very very right sir. Such beautiful girl meant for big big काम sir. Sir, she is मलमल of Dhaka. Indian मलमल sir. Touch and see. नो 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 शेर सिंह, हम अंग्रेज अपने यूनिफॉर्म में कोई पर्सनल काम नहीं करते, इसे बाद में भेज देना। आहा, व्हाट कैरेक्टर इंग्लैंड, यूनिफॉर्म नो होमवर्क, सी व्हाट इंग्लैंड कैरेक्टर। और तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र क्या है? माँ बहनों का सौदा करना? हराम काम। कमीने, मैं मोहम्मद की इज्जत करता हूँ। नहीं नहीं, अरे इस दूधिया जिस्म पर हंटरों के निशान साहब बहादुर को अच्छे सर। इसे ऊपर भेज दो। अरे वो ऊपर बुलाने वाले, ऊपर वाले से तो डर। ये अगर ऊपर ना आए तो इसके सामने इसके आशिक के साथ साथ इसके साथियों को भी तोप से उड़ा दो। सुना नहीं तूने, साहब बुला रहा है, वरना सबको तोप से उड़ा देगा। छोड़ दो मुझे, मैं खुद जाऊंगी। मीनाक्षी, तुम्हें अपनी मांग में भरे हुए खून की सौगंध जो तुमने क्रांति की मशाल से लिया था, अगर क्रांति के सिपाही कमजोर पड़ गए ना तो क्रांति के माथे पर सदा के लिए कलंक लग जाएगा। कलंक अगर मैं ऊपर नहीं गई तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मेरा विश्वास करो मीनाक्षी, मेरी मौत से तुम्हारी मांग का बुझा बुझा सिंदूर लाल और काला हो जाएगा। ये लोग सिर्फ तुम्हें ही नहीं, सबको मार डालेंगे। तो क्या हुआ भाभी, आने दो मौत को, इस बार मौत से गले मिलकर ही ईद मनाएंगे। हाँ, कसम है उस पाक परवरदिगार की। शेर सिंह। यस सर। इन सब को ऊपर लाकर एक लाइन में खड़ा करके बारे बारे तोप से उड़ा दो। ओके सर। सबको तोप से उड़ा दोगे तो चप्पू तुम्हारा बाप चलाएगा। शेर सिंह। यस सर। इस क्रांति को ऊपर लाकर बांधो, और दूसरों का क्या होगा उसका हम बाद में फैसला करेंगे। ओके सर। सोल्जर्स कम ऑन। Forgive you. Shut up, you old hag! Oh, God. Sher Singh! Yes! Yes, sir! मेरा ये भरा हुआ ग्लास खत्म होते ही इन दोनों को तोप से उड़ा दो। Yes! सर, तुम हुक्म देगा तुम तुमको नहीं उड़ा देगा। तुम क्या उड़ाएगा मिस्टर शेर सिंह, तुम जैसे नीच कमीने मतलबी कुत्ते हिंदुस्तानियों की वजह से हम अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करते हैं। हम नीच, हम कमीना, हम कुत्ता, तुम अंग्रेज मर्डर। पीता है कुत्ता। मेरा ये ग्लास खत्म होते ही इन दोनों को तोप से उड़ा दिया जाएगा,
अंडरस्टैंड जरे? यस सर। बेशरम, तू दूसरों से मार खाता है और अपनों को मारता है। तू शेर सिंह नहीं, तू कुत्ता है, कुत्ता। बाय गॉड, यू आर अ डॉग, यू आर अ डॉग। इस टोप की वजह से तूने अपने बाप दादा की पगड़ी बेच डाली। बेशरम कुत्ते, हरामजादे। शेर सिंह, तू शेर सिंह बनकर जी तो नहीं सका, लेकिन शेर सिंह बनकर मरेगा जरूर। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी।
गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। हो सेनापति, तुम्हारे फरार हो जाने के बाद मेरे सर पर एक बोझ था, आज हल्का हो जाएगा। सर जिस्म से अलग भी हो सकता है। तुमने अपना दिमाग, अपनी आत्मा नीलाम कर दी और उस नीलामी की बोली जीतने वाला है फिरंगी, अंग्रेज। हम बकवास सुनने के आदि नहीं हैं। बकवास करने के आदि हो। खामोश। साथी हो या खुददार, शक्ति बहादुरों की कदर करना जानता है। लो छुप गया शक्ति, अपनी तलवार से इसका सर अलग कर दो। तुम्हारी आंखों की चमक मेरे दिल का दामन खींचती है। जाओ जाओ और फुर्सत में अपने आप से पूछना, टटोलना अपनी आत्मा को, और जब असलियत समझ में आ जाए तो आ जाना क्रांति के झंडे के नीचे, मिलकर आजादी का सपना साकार करेंगे। हाँ
क्या किया आपने? क्या किया? आप नहीं जानते, वो आज हमारी जान ले सकता था। सेनापति ने हमारी पीठ पे वार किया है, पहले उन गद्दारों को खत्म किया जाएगा जो हिंदुस्तानी होकर हिंदुस्तान से दगा करते हैं। ये बंदूकें, ये अंग्रेजों का काम बाद में खत्म करेगी। सबसे पहले गुनाह गिनवा गिनवा कर मारा जाएगा सेनापति शक्ति। क्या कहा? रंभा मौसी की तबीयत खराब है? जी हाँ, वो आपसे मिलना चाहती हैं और कहा है अकेले ही आए। ठीक है, हम अभी चलते हैं। क्या कहती हो रंभा मौसी? मैं उस माँ का बेटा नहीं जिसने मुझे पाला पोसा। अगर तुमने उसे ये कह दिया कि तुम उसकी माँ हो तो जानती हो इसका क्या हशर होगा? क्या होगा? आज राजमहल में रहने वाला शक्ति कल गलियों में भटकेगा। लो अपनी अमानत, ये कपड़ा मैंने उसी दिन से संभाल कर रखा है। इस कपड़े का दूसरा हिस्सा मैंने पहले भी देखा है। आप यही चाहती है ना, जब वो मेरे सामने आए तो मैं उसे बेटा मानने से इनकार कर दूं। तुम्हें इनकार करना होगा। तुम्हें जन्म देने वाली माँ वही गुलाम औरत राधा है। राधा, आज से तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, अपनी जरूरतों को पूरा करना मैंने बहुत पहले सीख लिया है। शक्ति के आने से पहले मुझे यहां से जाना होगा। मेरा बेटा सिंधा है, मेरा बेटा सिंधा है माँ, तेरा वरदान सिंधा है। मुझे इतनी शक्ति देना माँ कि मैं अपने बेटे से दूर रह सकूं। मुझे शक्ति देना माँ, शक्ति देना। शक्ति आ गया है माँ। मैं कुछ कहने आया हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मैं कहने आया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारा बेटा होता तो तुम्हारे हाथ पत्थर तोड़ तोड़ कर जख्मी नहीं होते, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते, तुम जुल्म सहती रही और मैं जुल्म करता रहा, मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाता रहा और तुम भूखी प्यासी रही। धिक्कार है मुझ पर। मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। क्या क्या देवी माँ के कपड़े के ये दो टुकड़े साक्षी नहीं कि मैं तुम्हारा बेटा हूं? खाओ देवी माँ की सौगंध और कहो कि तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं, मैं झूठी कसम नहीं खा सकती। मैं ही तेरी माँ। अब मेरा ठिकाना राजमहल नहीं, आज से मेरा संसार माँ के चरणों में। हट जाओ। ले चलो इस गद्दार को। कुछ दिलो, छोड़ दो मुझे। मोहन। हाँ सरदार। लटका दो इस गद्दार को फांसी के फंदे पर। शक्ति में जान लेने की हिम्मत है तो जान देने की शक्ति भी है। इस मामूली रस्सी को हम खुद अपने गले में डालेंगे। है मेरी माँ, अंधे है मेरी माँ। सरदार, आज इसको फांसी नहीं दे सकते। क्यों? सरदार, आज रात जागरण है, आज की रात तो देवी माँ के भजन गाने की रात है।
देवी माँ ने आज इस गद्दार को बचा लिया, लेकिन कल माँ के दर्शन के बाद ही इसे फांसी दे दी जाएगी। दर्शन? हाँ मोहन, मुद्दत हो गई मंदिर में। मंदिर है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, राधा राधा। तुम मुन्ना कहाँ है? मुन्ना बड़ा बड़ा तो भीमा के साथ न जाने कहाँ खो गया, और छोटा छोटा? हाँ छोटा शक्ति, कल तक तो सेनापति था। सेनापति? हाँ, तब का बिछड़ा कल ही मिला था, लेकिन लेकिन क्रांति उसे उठाकर ले गया। सरदार, सरदार सिपाही। सुनो राधा, गौर से सुनो, मैं इस वक्त यहां से जा रहा हूं, लेकिन कल इसी वक्त यहां तुम्हें जरूर मिलूंगा। आप बहुत खुश हैं? हाँ, देवी मां का वरदान मिल गया है, अब देखना लड़का पैदा होगा। तुम मां कैसी हो? जिसे तुम कल उठाकर ले गए थे वो सेनापति मेरा बेटा है, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। मैं तो मुद्दे से समंदर में था, आज ही लौटा हूँ। झूठ, मेरा विश्वास करो माँ। मेरे बेटे को उठा ले जाने वाले ने वहाँ क्रांति का निशान छोड़ा था। क्रांति का निशान, समझ गया। क्या राधा भाभी जिंदा है? हाँ, आज अचानक सरदार सांगा और राधा भाभी दोनों मंदिर में मिल गए। सांगा, राधा, ये देवी के वरदान वाला परिवार है ना? तू उस परिवार का नाम मत ले। ये सिलसिला रिश्तों का है। मक्कार, मौत से बचने के लिए रिश्ते जोड़ने लगा, चल। सरदार हुक्म दो। आंसू और सरदार की आंखों में इस कमजोरी का कारण? नहीं मोहन, तुम्हारा सरदार कमजोर नहीं पड़ सकता। इस धरती से गद्दारी करने वालों को इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। क्रांति की अदालत में हर गद्दार की सजा मौत है, मौत। चाहे वो गद्दार अपना बेटा ही क्यों ना हो। मैं हुक्म देता हूं मोहन कि सेनापति शक्ति को आजाद कर दिया जाए। ये नहीं हो सकता। ये होगा। जानते हो क्रांति की अदालत के कानून अटल हैं? क्रांति के सिपाही के दिए हुए वचन भी अटल है। कौन सा वचन, कैसा वचन? वो वचन जो मैंने सेनापति शक्ति की मां को दिया। उससे तुम्हारा रिश्ता? मेरा रिश्ता? जब मैं मौत के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था ना, तब उस औरत ने मुझे बेटा कहा। यह रिश्ता है मेरा। क्रांति की अदालत में हक और इंसाफ के रिश्ते के सिवा और कोई रिश्ता नहीं। इससे पहले कि क्रांति की अदालत रिश्ते खत्म कर दे, हम ये अदालत खत्म कर देंगे। हम तुम्हारी जान ले सकते हैं। जी, जान तो हम भी ले सकते हैं। इस गद्दार सेनापति के लिए आपस में लड़ना ठीक नहीं। अगर सेनापति आजाद नहीं किया गया तो लड़ाई होगी, और अगर लड़ाई होगी
तो गोलियां चलेंगी। अंग्रेज, अंग्रेज। सेनापति, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। हाँ, आज कोई गद्दार नहीं बचेगा। ए खबरदार। सेनापति, तुम भी? हाँ, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। सिपाहियों हट जाओ। कितना जादू है, कितना जादू है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। गो 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 गो। आप लोग निकल जाओ, आपको क्रांति की सौगंध। तो आपका सेनापति भी गद्दार निकला जी? वो शट अप। क्रांति वालों को पकड़ने के लिए गली गली गांव गांव छापे मारो, सबको पकड़कर किले में बंद कर दो। इसका फायदा? लोगों को क्रांति वालों से और क्रांति वालों को लोगों से प्यार है। वो उन्हें बचाने के लिए किले पर हमला करेंगे। हाँ, जब उन्हें बचाने आएंगे तो फिर खुद बच कर नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी क्रांति वाले हाथ न लगे तो? तो इस रियासत पर हमारी तोपें चलेंगी। यहां के लोग तो मरेंगे ही, मगर सारा हिंदुस्तान डरेगा। डरने की कोई बात नहीं। अगर अंग्रेज धोखे से हमारे जहाज पर कब्जा कर चुके हैं ना, तो डरने की कोई बात नहीं। हाँ। दर्शन जी सरदार, आज किशनगढ़ी में अपने कितने साथी जमा हो चुके होंगे? 8 से 10 हजार तक हो गए होंगे सरदार। तुम उन्हें इस तरफ ले आओ, आज रात किले और महल पे हमला होगा। जी सरदार। 10 हजार क्रांतिकारी लाखों गद्दारों का नामो निशान तक मिटा देंगे। कल सूरज निकलने से पहले किले पे क्रांति का झंडा लहराएगा। आज की रात तो जश्न मनाने की रात है। Thank you.
दिल वाली तेरी आन क्या है, आन क्या है तेरी संतान क्या है। क्या हुआ? अंग्रेजों ने जगह जगह छापे मारकर हमारे बहुत से साथी पकड़ लिए हैं और अब शाही फौजें इसी तरफ आ रही हैं। औरतें और बच्चे यहीं रुक जाएं। बढ़ते हुए दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो तुम ही सेनापति शक्ति की असली माँ हो? हाँ, मैं ही हूँ। और सांगा की बीवी? और तुम? तू चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन भगवान के लिए इसे छोड़ दे, छोड़ दे इसे। अरे बुढ़िया, इस जवानी का साता अपने बुढ़ापे से करना चाहती हो? पापी, ये माँ बनने वाली है। अच्छा अच्छा, तो इसके पेट में भी देवी का वरदान है? हाँ, देवी का वरदान है। सरकार, क्या है? रियासत के लोगों की बगावत तो अलग, आसपास गांव के लोग भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। जब उनके ठिकानों पे छापे मारे गए तो बहुत से क्रांतिकारी भागकर किले के आसपास वाले जंगल में छुप गए। कुछ मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए। लेकिन जो पकड़े गए वो कहाँ है? दरवाजा खोलो। क्रांति क्या होगा सरदार? दूसरे साथियों के साथ साथ राधा भाभी और मीनाक्षी को शाही फौजों ने किले में बंद कर दिया है। किले पे हमला होगा। किले का दरवाजा तोड़ने के लिए तोप चाहिए। हुजूर, ये रही तोप और थोड़ा सा बारूद भी है। ये तोप बेकार है, जंग लग गया है, जगह जगह छेद है, चलेगी तो फट जाएगी। जी नहीं, ये तोप चलेगी तो किले का दरवाजा टूटेगा। मगर करीम खान? करीम खान करीम खान नहीं जो तोप न पहचाने। सरदार, ये मेरा कॉल है, मेरा वचन है, किले का दरवाजा जरूर टूटेगा। लेकिन तोप दरवाजे तक पहुंचेगी कैसे? किले के बाहर सिपाहियों का सख्त पहरा है। ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। शक्ति जी, जैसे ही तुम किले के ऊपर पहुंचोगे ना और फिर मशाल से इशारा करोगे, वैसे ही करीम खान तोप से दरवाजा उड़ा देगा। लेकिन शक्ति किले तक पहुंचेगा कैसे? शक्ति कल तक सेनापति था, वो किले तक पहुंचने वाले हर चोर रास्ते से वाकिफ है। आइए आइए सेनापति जी, स्वागत है आपका। हराम की औलाद। देखते नहीं तुम्हारे युवराज की जान खतरे में है? फेंक दो बंदूकें, फेंक दो, फेंक दी। दरवाजा खोलो, दौड़ो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। साथियों, सिपाहियों से उनके हथियार छीन लो। राधा, तुम्हारा मुन्ना, उसी का नाम भारत है, वही तो क्रांति है। क्रांति, मेरा भारत। बेटी बेटी, ओ बहू, भारत जिंदा है। शक्ति शक्ति, मेरा भारत जिंदा है। हाँ, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। हाँ माँ, सुना युवराज, हमारा भारत जिंदा है। भाभी, युवराज जी की खातिर अच्छी तरह से करना। बाहर साथियों को मेरे इशारे का इंतजार है, मैं भी आया। ये खुलेगा नहीं, टूटेगा। आप लोग पीछे हट जाओ।
दोगला भाई, रो क्यों रहे हो? दोगला भाई, अब दोगला भाई, दोगला, अरे दोगला नहीं, दारोगा जी, दोगला जी, क्या कहा? उल्लू के पट्टे, दोगला जी नहीं, दारोगा जी, हाँ दारोगा जी, वो देखो, वो क्या है? क्रांति की फौज, क्रांति की फौज है, सिपाहियों, सिपाहियों, इससे पहले कि वो आगे बढ़े, हम खुद आगे बढ़कर उनको खत्म कर देंगे, चलो। ये तो सिर्फ मशाले हैं, कहाँ है क्रांति की फौज? कमरे में है, जरूर को जाल बिछाया गया है। जाल! इन शाही कुत्तों से इनकी बंदूकें छीन लो। सरदार, आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा तोड़ना है ना करीम खान ने। दरवाजे का टूटना जरूरी था करीम। मैं जानता था कि ये तोप दरवाजा तोड़ देगी। भाई, दुश्मन भी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश पूछ लेता है। तुम तो मेरे भाई हो, मेरे सरदार हो, तुम नहीं पूछोगे? तुम कहो तो। अल्लाह, दरवाजा टूट चुका है भाई, साथियों को बचा लो। हे भाई, भाई करीम, खुदा हाफ़। करीम, साथी, साथी बचाए जाएंगे करीम खान, लेकिन तुम सा साथी कब मिलेगा? कहाँ मिलेगा? सरदार, सरदार, जरा सुनिए, जरा सुनिए सरदार। क्या है? अंग्रेजी फौज का एक बहुत बड़ा दस्ता उस पहाड़ी की तरफ जा रहा है जहाँ तोपें लगी हैं। क्या? वो तोपें चलेंगी तो चारों तरफ बारूद ही बारूद बरसेगा। तोपों को खामोश करना मैंने आप ही से सीखा है। तुम उस तरफ जाके अपने दूसरे साथियों को खबर कर दो। जी सरदार। और आप जाइए किले की तरफ और मैं जाता हूं उस पहाड़ी पे जहां तोपे लगी हुई हैं। तोपे से अंग्रेजी तोपें बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं,
लेकिन इधर बारूद नहीं, मौत बरसेगी चारों तरफ, मौत। किले के अंदर ये सब लोग मारे जाएंगे और किले के बाहर मारे जाएंगे इनके छुपे हुए क्रांति, इनके छुपे हुए क्रांति। हमारे चाहते ही अंग्रेजी फौजों का मशाल के जरिए बारूद बरसाने का इशारा कर देना। हो गई, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, मगर सरदार तुम्हारा बेटा जिंदा है। भारत वो क्रांति, मैंने राधा को भी बताया। कहाँ है राधा? शक्ति मीनाक्षी कहाँ है? शंभू सिंह उन्हें चोर रास्ते से महल की तरफ ले गया है। आवाज हमारे महाराज के कातिल भाई शमशेर सिंह की है, इससे बदला लेना होगा। चलिए, हम मैं अकेला ही काफी उन सब के लिए, अगर तुम जाओ अपने साथियों की रक्षा करो, अपने भाई का साथ दो, ये मेरा हुक्म है। किसने मारा हमारा सिपाहियों को? शमशेर, बोलो शमशेर सिंह, हमारे महाराज का खून किसने किया था? आप जिसे माँ जैसे कहते हैं वो माँ जैसी नहीं, वो आपको जन्म देने वाली आपकी माँ शक्ति। हाँ, हम दोनों उसी सरदार सांगा के बेटे हैं। हाँ बेटे, ये सच है, मुझे मुझे भीमा की पत्नी ने बताया। माँ, मुन्ना, 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 बेटे। हाँ? मीनाक्षी ने कसम देकर हमें यहाँ भेज दिया और खुद वहीं रह गई तेरे बाबा के लिए। लेकिन बाबा कहाँ है? आप उनकी चिंता ना कीजिए। बहू, तुम इस हाल में उनके साथ क्यों नहीं गई? अगर मैं आपको छोड़कर चली जाती तो आपके बेटे को क्या जवाब देती? लेकिन शक्ति और उसकी माँ तुम्हें इस हाल में छोड़कर गए कैसे? तब मैं ठीक थी। Ah!
मौत तो चारों तरफ है बहू, चलते हैं। आग के इन शोलों से दूर कहीं तो जगह मिलेगी जहां बच्चे का जन्म आराम से हो सकेगा। जरूर कोई आया है। कम ऑन सोल्जर्स, कोना कोना छान मारो। कम ऑन सोल्जर्स, देखो तो
ठीक है ना? सब ठीक है, लड़का हुआ। खामोश हो गई और ये कुत्ते भी मर गए। आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक, लेकिन तू इस हालत में क्यों आया है? याद है आपने एक दिन कहा था अगर मिट्टी से फायदा पहुंचे हाँ? तो एक दिन इसका कर्ज चुका देना। अरे पगले, कर्जा तो तू कब का चुका चुका है रे? शक्ति चल चले, महाराज देखती होगी, बाबा इंतजार करते होंगे। चल भैया चल। चलते चलते अपने पोते की शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसे जन्म के वक्त अपने भारत की थी। हाँ सरदार का आज कैसे स्वागत करूं मैं? अपने अपने कदमों को छूने की इजाजत देकर। हाँ बाबा प्रणाम। नहीं उन्ना, नहीं, आज सीने से लग जाओ मेरे, मेरे सीने से लग जाओ बाबा। मेरे सरदार, मेरे ये क्या है? ये खून, ये खून भी तो आप ही का है ना? बाबा छोड़ो खून को, भूल जाओ इसे। बाबा तोपें खामोश हो गई। आज की जंग हम जीत गए बाबा। इस जीत का सेहरा तुम्हारे सर है भारत। नहीं, बाबा, शक्ति करीम खान की तरह हमसे बहुत दूर निकल गया है। मुन्ना, बलिदानी बहादुर हुआ करते हैं और तुम्हारा सिपाही शक्ति बहादुर सिपाही था। तुम्हें उसकी कुर्बानी पे फख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए मुन्ना। बाबा अब जाओ, बहू के पास जाओ। कहाँ है वो? वहां उस तांगे में है वो। तांगा? जाओ और अपने बेटे का चांद सा मुखड़ा देखो बाबा। हाँ
हाँ मुन्ना, हाँ भारत, मेरे सरदार, तुम एक बाप बन गए हो। मेरा बाप दादा बन गया है, बधाई हो। बहू को तुम्हारे बदन का ये खून नहीं दिखना चाहिए। बाबा ये लो, आपकी बहू को मेरे बदन का खून नहीं दिखाई देगा बाबा, नहीं दिखाई देगा। बेटे, तूने जो कुछ किया है देश के लिए किया है, देश की मिट्टी के लिए किया है। माँ, अब उस मिट्टी में मिलने का समय आ गया है। ये तो क्या कह रहा है? ये तो क्या कह रहा है? इस मिट्टी में मिलने का वक्त आ गया माँ। बेटा, तू बिछड़ा, मिला और फिर बिछड़ने लगा, फिर बिछड़ने लगा। माँ, मैं तुझे हर जन्म में मिलूंगा, जन्म जन्म में मिलूंगा माँ। अगर तू मुझे मिला भी तो मैं तुझे पहचानूंगी कैसे बेटे? माँ, जिस जिस किसी के सीने पे गोलियों के निशान देखो ना, जिसके गले पर फांसी की रस्सी का निशान देखो, समझ लेना वही तुम्हारा बेटा है, वही तुम्हारा भारत है। माँ, माँ, बोलो बेटे, मेरे माथे पे मट्टी का तिलक नहीं लगाएगी? जय जननी, जय जननी, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। औलाद को खो देने का गम नहीं इन आंसुओं में बहू, घमंड है, मान है, देश के एक बहादुर सिपाही के अमर हो जाने का, अमर हो जाने का।
हाँ, क्रांति अमर है, मगर हम अकेले रह गए। हमारा सरदार हमें अकेला छोड़ गया। नहीं बहू, ना, तुम्हारी गोद में ये नन्ना साक्षी है, ये साक्षी है कि हमारा सरदार हमें अकेला नहीं छोड़ गया। अपनी जगह हमें वो एक सिपाही, एक क्रांति और दे गया। हम इसके बदन में क्रांति के तूफान भर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस धरती को हम आजाद न करा सके उसे यह आने वाली नस्लें आजाद कराएंगी, जो काम हम न कर सके उसे ये पूरा करूंगा। हाँ, ये काम मैं पूरा करूंगा माँ, दादाजी, ये काम मैं पूरा करूंगा, मैं। सिपाहियों, शंभू सिंह, तुम्हारे जन्मदिन की खुशी में तुम्हारे सिपाही नशे से बेहोश हैं। तुम हो कौन? तुम्हें चाहिए क्या? बदला। किसका बदला? सिर्फ अपने बाप का ही नहीं, बल्कि हर उस जुल्म का जो तुमने इस देश पर किया। जुल्म? और हमने? नहीं, 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 नहीं। देखो बच्चे, हम नहीं चाहते हम अपने जन्मदिन वाले दिन किसी की जान ले। शंभू सिंह, तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही मरोगे। मेरी प्रतिज्ञा थी शंभू, बाप का बदला बेटा लेगा। आने वाले हर गद्दार के लिए एक नया क्रांति पैदा होगा, यह हमारा संकल्प है। अब बोलो। बच्चे, आज हमारा जन्मदिन है। शंभू सिंह का दिमाग तो थारी तलवार है। अब कोई गद्दार नहीं बचेगा शंभू क्रांति का, इनकलाब का सिलसिला नए नए रंग, नए नए ढंग लिए, हिंसा से अहिंसा में बदल, तब तक चलता रहा जब तक देश आजाद न हुआ। क्रांति जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। जय हिंद।